तो फाइनली एक और क्यू एन और फेस कैम वीडियो लेकर मैं आ गया। लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि एक क्यू एन ए वीडियो दूँ, आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने पोस्ट भी डाला था, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ। लेकिन ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों ने बहुत सारा सवाल पूछा है, सभी का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात ना बढ़ा कर फटाफट के उन्हें शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है महेंद्र भाई की तरफ से, जिन्होंने पूछा है क्या नॉर्थ यूनाइटेड एफसी पैट्रिक और साथ साथ थॉमस को साइन करेगा नहीं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया, लास्ट जो कि उन्होंने वीडियो गया वहाँ पर तो मैंने बता दिया कि एनडी आ चुका है, तो शायद यहाँ पर दोस्तों थॉमस नहीं आ सकता है। पैट्रिक का कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इनका भी चांस नहीं है, इन दोनों का भी चांस नहीं है और नहीं आएगा इस सीजन में, कोई नया खिलाड़ी आ सकता है एक और। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जयंत भाई की तरफ से, इन्होंने पूछा है बेंगलुरु में पूछा है कोच हिसाब है एंटोनियो लोपेज हबास तुम्हार कैमन लगे, यानी कि एज ए कोच एंटोनियो लोपेज हबास मुझे कैसा लगता है। तो बहुत ही अच्छा कोच है और अच्छी तरीके से मैनेज करता है, लेकिन मुझे इनका एक ही बात थोड़ा बहुत गड़बड़ लगता है कि इंडियन खिलाड़ी को शायद प्रॉपर मौका नहीं देता है। तो यहाँ पर उनको सोचने वाली बात होगा, और भी खिलाड़ी बेंच पे है, उनको ज़्यादा मौका देना चाहिए। फॉरवर्ड में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ये विदेशी खिलाड़ी ही ले रहा है बार बार। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है कि कोरो या रॉय अच्छा डेवलप प्लेयर कौन है। तो यहाँ पर डेवलप प्लेयर यानी कि जो अच्छा इंप्रूव कर रहा है अभी दोस्तों, रॉय कृष्ण बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, उनके पास अभी बहुत साल बचा हुआ है फुटबॉल में, लेकिन कोरो का शायद उम्र हो रहा है, शायद एक और दो तीन सीजन खेलेगा, उसके बाद शायद वो रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो भी कंटिन्यू करे अगले 5-6 साल तक, तो अच्छा रहेगा इंडियन फुटबॉल के लिए और इंडिया में ही वो शायद खेलेगा जिस तरह का उनका रुतबा है। नेक्स्ट अगर बात करें, इन्होंने पूछा है जॉन जॉनसन के बारे में, तो इनके बारे में अभी तक हमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन एटी के साथ शायद इसी दिन में और नहीं खेलेगा, और मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई रूमर्स भी नहीं है कि दूसरे टीम में जाएगा नहीं जाएगा, तो इसके बारे में अभी कुछ क्लियर पता हमें भी नहीं चल रहा है यार, जब भी कुछ पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दोस्तों दीपंकर नाथ के तरफ से, तो इन्होंने पूछा है क्या नॉर्थ यूनाइटेड एफसी इस बार टॉप फोर में जा पाएगा। मेरे हिसाब से तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों उड़ीसा एफसी जबरदस्त फाइट दे रहा है टॉप फोर के लिए, मुंबई सिटी एफसी के साथ 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 जमशेदपुर एफसी के पास भी दोस्तों मौका बचा हुआ है। नॉर्थ यूनाइटेड एफसी अगर लगातार जीत हासिल करता है इस मैच से, आज जो चेन्नई एफसी के साथ होने वाला है, तो चांस है, लेकिन इस मैच को हार जाता है उसके बाद ड्रॉ भी करता है, लगातार जीत नहीं पाता है स्ट्राइकर के चलते, तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि अब वो ऊपर जा पाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है यार फुटबॉल में, तो चलिए देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। और इसके बाद नेक्स्ट कमेंट आ रहा है दोस्तों म्यूजिक मैजिक की तरफ से, तो उन्होंने मेंशन किया है कि मेरा नाम बोल दो एक बार वीडियो में, तो म्यूजिक मैजिक बिग शाउट आउट टू यू। और इसके बाद नेक्स्ट आर्यन भाई ने बहुत सवाल पूछा, एक एक करके मैं बता देता हूँ। भाई तो बंगाली है क्या? हाँ मैं बंगाली में बात करता हूँ, मेरा वेस्ट बंगाल में ही घर है। उसके बाद तेरा फेवरेट फूड क्या है? तो फूड मेरे मूड के हिसाब से फेवरेट बन जाता है, जो जब मूड करता है वही मेरा फेवरेट हो जाता है, कोई ख़ास ऐसा फेवरेट फूड नहीं है। भाई तेरा घर दिखा, हाँ एक स्पेशल वीडियो बनाकर मैं दिखाऊँगा एक बार। उसके बाद तेरे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं हूँ, भाई है, पापा और मम्मी। और इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने पूछा है तेरा यूट्यूब इनकम कितना है? यार इनकम तो आप छोड़ ही दीजिए, 2-3 महीने के बाद एक थ्रेशोल्ड पूरा होता है, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मैं वीडियो बना लेता हूँ। कभी कभी आप लोग देख सकते हो कि मैं गैप दे देता हूँ पूरा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा इनकम करना है, तो दूसरा काम करना पड़ता है पैसों कमाने के लिए, यहाँ से तो ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट सवाल आ रहा है भरगा भाई के तरफ से, तो इन्होंने पूछा है भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं यार, अभी भी इस चक्कर में मैं नहीं हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट आया है स्पोर्ट्स यूनाइटेड की तरफ से, तो इन्होंने कहा है भाई मैं तेरा बिग फैन हूँ यार, बहुत बहुत थैंक्स, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही वीडियो बन रहा है, आप लोग प्यार दिखाइए और भी वीडियो आपको मिलेगा। और इसके बाद नेक्स्ट सवाल आ रहा है दीपा की तरफ से, तो इन्होंने पूछा है व्हिच इज द बेस्ट एंड बैड टीम इन आईएसएल। अगर इस सीजन की बात किया जाए तो मैं जाऊंगा बेस्ट एफसी गोवा के साथ, आपको तो पता ही है किस तरह का परफॉर्मेंस वो कर रहा है, होम हो या अवे है सभी जगह उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। बैड टीम इस सीजन में तो हैदराबाद एफसी, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा इस सीजन में। और उसके बाद वीडियो देना बीच में क्यों बंद किया? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यार पैसों का मामला है, कभी कभी मुझे दूसरा काम भी करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, तो यहाँ पर यूट्यूब से थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, तब अगर यूट्यूब से अच्छा खासा इनकम आ जाता है तो फुल टाइम करने की कोशिश करूँगा,
लेकिन अभी फ़िलहाल इनकम नहीं आ रहा है यार, व्यूज़ उतना नहीं होता है, आपको पता है हमारा सब्सक्राइबर तो बहुत ही ज़्यादा है लेकिन व्यूज़ उसकी तुलना में थोड़ा बहुत कम है यार, और इसीलिए मैं बंद कर देता हूँ कभी कभी। और उसके बाद मुझे एक सवाल आया है टीम एक्स ओ आर जी की तरफ से, उन्होंने पूछा है क्या दो खिलाड़ी का गोल अगर सेम हो जाता है सीजन के अंत में तो किसको गोल्डन बूट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी जो 8-8 का मामला था, 8 गोल था, तो इसमें सबसे ऊपर था कोरो, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम मैचों में 8 गोल लगाया है। उसके बाद दूसरा था रॉय कृष्णा, उसके बाद सुनील छेत्री 8 गोल के साथ है, तो दोनों खिलाड़ी नीचे है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मैच लिया है, तो इसके अनुसार होगा। उसके बाद अगर मैच भी सेम हो जाता है तो एक गोल से दूसरा गोल का एक एवरेज टाइमिंग लिया जाएगा और उसके अनुसार उसको गोल्डन बूट मिलेगा। और इसके बाद नेक्स्ट सवाल आ रहा है तन्मय जी की तरफ से, तो उन्होंने पूछा है कैसे हो भाई, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो कमेंट में बताइए, और आपका हर वीडियो मैं देखता हूँ यार, बहुत बहुत थैंक्स इतना सपोर्ट के लिए, बट एज ए इंडियन फैन आपको आपका फेवरेट टीम कौन सा यार। आईएसएल में तो मैंने बता दिया था आपको कि एटीके को मैं सपोर्ट करता हूँ, और आपको क्या लगता है इंडिया एक दिन वर्ल्ड कप जा पाएगा नहीं? यार जरूर जा पाएगा, हम लोग जिंदा रहेंगे और तब देखेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा है, ज़रूर होगा, हमारे जिंदा रहते हुए ही ऐसा चीज़ हमें दिखाई देगा, और 10 या 12 साल में आपको नज़र आ जाएगा इंडिया यार फुटबॉल के वर्ल्ड कप में। और इसके बाद भाई नेक्स्ट आ रहा है नीचे से ऊपर, ये कैसा नाम है, इन्होंने कहा है कि भाई तू हमेशा एटीके को सपोर्ट करता हूँ। यार आप भी ना एक टीम को सपोर्ट करते हो, मैं भी एक टीम को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वीडियो में मैं न्यूट्रल रहता हूँ आपको तो पता है, तो सपोर्ट तो एक टीम को करना ही पड़ेगा यार। जैसा कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो वेस्ट बंगाल से एक ही टीम आईएसएल में अभी खेल रहा है, वो है एटीके, इसीलिए मैं एटीके को सपोर्ट करता हूँ। अब एटीके यार चला जाएगा उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको मेरा ब्लॉग चैनल में एक वीडियो बनाकर बताने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट कमेंट आ रहा है सैयद अहमद की तरफ से, हालांकि इनका असली नाम है मामून, और मैं आपको बहुत दिनों से यार जानता हूँ, आपसे आपके साथ बात होता ही रहता है इंस्टाग्राम पर, आपको पता है आपने बहुत ही बड़ा शाउट आउट मुझे पूछा है तो मैं आपको दे रहा हूँ। मामून भाई आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपने इतना सपोर्ट किया, बहुत पहले से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो यार, थैंक्स। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आ रहा है अब्दुल मलिक की तरफ से, तो भाई फेस निखा के क्यों नहीं वीडियो बनाता है तू? यार बना दिया, मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक करके फेस कैम वीडियो में आप डालता ही रहूँ, हर हफ्ते एक फेस कैम मैं देने की कोशिश करूँगा इस बार से, और उसके बाद दिन में हर दिन में मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ फेस कैम। थोड़ा बहुत सेटअप एक बार कर लूँ यार, थोड़ा बहुत पैसा आ जाए उसके बाद मैं फेस कैम ही करूँगा यार, मेरा आगे का प्लान फेस कैम करने का ही है। तो बस इतना ही सवाल मैंने चूज किया, और जिसका भी यार सवाल मैंने चूज नहीं किया है उनसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप पूछिए यार, इतना सवालों का जवाब एक वीडियो में देना तो इम्पॉसिबल चीज़ है, तो आप नेक्स्ट पूछिए, मैं आप लोगों का सवाल जरूर पिक करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कुछ अपडेट आए फुटबॉल या क्रिकेट से जुड़े।